तो ये यमुना नदी है और यमुना नदी पूरी भरी हुई है। और यमुना में इस समय ये जो देख रहे हो आप, ये पूरा गंद है जो लोगों द्वारा ही फैलाया गया, ये आप देख सकते हो। तो मैं अभी शास्त्री बाग एरिया में हूँ जो कि जीरो पुस्ता के बाद है, और ये पूरा एरिया गाजियाबाद तक जोड़ती है ये पूरी सड़क। और आप यहाँ पे देख सकते हो गंगा में, और सूरज बिल्कुल निकला हुआ है शाम का, मैं सूरज को अस्त होते हुए देख रहा हूँ। नदी पूरी भर चुकी है, वैसे इतनी नदी कभी भरी नहीं है, पानी का ओवरफ्लो है, जैसे थोड़ा भी हुआ तो 5 सेंटीमीटर तो रोड पे आ सकता है, जो कि फिर एक मुसीबत का कारण बन सकता है। अभी अभी इस वाले रोड में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप यहाँ से, आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ सिग्नेचर ब्रिज। तो ये सिग्नेचर ब्रिज है जो कि यहाँ पे घूमने के लिए ऐसा कुछ कुछ एरिया, जैसे मॉनेस्ट्री हो पूरी डूब गई है, कश्मीरी गेट वो सबसे रश मेट्रो स्टेशन है, इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ घूमने के लिए अगर किसी को आना होता था, जो आसपास के एरिया में लाल किला के आसपास की लोकेशन। और ये एरिया भी टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुका है, आप देख सकते हो काफ़ी लोग देख रहे हैं। और मैं भी ऐसे कभी नहीं घूमता इस गंद में और वहाँ से, क्योंकि क्योंकि जितनी गंद आप यमुना में देख रहे हो इतनी गंद शायद आपने इससे पहले नहीं देखी, क्योंकि पूरा इलीगल है, पूरा इलीगल जो ये देख सकते हो सारा कूड़े के ढेर, ये सब यमुना में बहा दिए जाते हैं। और फिर यही सारी टॉक्सिक जो पानी में जाते उसी के कारण, क्योंकि यमुना का पानी चाहे कितना भी साफ कर ले लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। और सबसे पावरफुल वेपन जैसे सबसे कठोर धातु डायमंड को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वाटर ही है। वाटर कैसे बनता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब होता है तो ये आप देख सकते हो क्या दिल्ली की दशा हो चुकी है। और रात को ये एरिया वैसे रेड लाइन हो जाता है।